और आगे बढ़ते हुए अगली अहम खबर हरियाणा से आपको दे रहे हैं। बीजेपी का विधानसभा चुनाव अभियान तेज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे सीएम सैनी रोड शो करेंगे। यहां रघुनाथ नगर से पुरानी सब्जी मंडी तक रोड शो आयोजित किया जाएगा। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोड शो करेंगे, करनाल पहुंचेंगे इसके लिए। आज प्रचार अभियान को तेज करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रोड शो के जरिए आज अपने इस अभियान में धार देने वाले। इस वक्त आपको हरियाणा की सियासत के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के तहत करनाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शाम को 5 बजे यहां रोड शो करने वाले। विधानसभा चुनाव है हरियाणा में और ऐसे में सभी की गतिविधियां तेज हैं। हर कोई जनता के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के तहत आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रोड शो है करनाल। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग है मेरे साथ इस खबर पर। हिमांशु, सभी की कवायदें तेज है जनता के दिल में जगह बनाने के लिए। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे यहाँ और अपने प्रचार अभियान को धार देंगे। क्या अपडेट है हिमांशु आपके पास? किस वक्त पहुंचेंगे मुख्यमंत्री यहाँ? कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को करीब 4 बजे का समय दिया गया है और नायब सिंह सैनी 4:30, 5:15 के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि पूरे प्रदेश भर में उनके दौरे चल रहे हैं। दिल्ली में उनकी बैठकें चल रही हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है और ऐसे में करनाल जो उनका अभी तक विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ पर आज एक जन आशीर्वाद बाइक रैली निकालेंगे जो इसकी शुरुआत रघुनाथ मंदिर के पास से होगी। इब्राहिम मंडी का ये इलाका पड़ता है और जो पुराना बाजार है और सदर बाजार होते हुए ये जन आशीर्वाद बाइक रैली पुरानी सब्जी मंडी तक जाएगी, यानी कि जो सदर बाजार का इलाका है वहां पर जन आशीर्वाद जो बाइक रैली है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए उन्हें हाथ हिलाते हुए उनका धन्यवाद करते हुए वो वहां से जाएंगे और चर्चा काफी है कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो सीएम होता है वो पूरे प्रदेश का सीएम होता है, ऐसे में करनाल उनका विधानसभा क्षेत्र भी है इसलिए वो आ रहे हैं। करीब 5 बजे का समय है, अलग अलग बाइक होंगी और ऐसा हो सकता है कि वो गाड़ी पर सवार हो या वो बाइक पर सवार हो और लोगों से मिलते हुए वो इस जन आशीर्वाद बाइक रैली को करीब 1 से 1.5 घंटे में खत्म करें। शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।